मंदसौर जिला अस्पताल के सामने महिला संबंधी अपराधों के प्रति पुरुषों को जागरूक करने ऑपरेशन अभिमन्यु शुरू। मंदसौर जिला अस्पताल के सामने महिला संबंधी अपराधों के प्रति बालकों पुरुषों को जागरूक करने सकारात्मक व्यवहार करने के मकसद से ऑपरेशन अभिमन्यु की शुरुआत महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर की गई। इसमें महिलाओं युवतियों बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण देने की सीख दी गई। अभियान 19 जून तक चलेगा। शुभारंभ पर महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास अभिमन्यु अभियान के फ्लैग्स लगाकर जागरूकता पर काम हुआ। इस दौरान सकारात्मक समाज निर्माण करने की प्रतिज्ञा ली और लिंगभेद, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, अश्लीलता, दहेज प्रथा, नशा जैसी कुरूतियों को दूर करने का संकल्प लिया। अभियान 8 दिन तक सभी थाना क्षेत्रों में चलेगा। शुभारंभ पर अधिकारी, स्टाफ सदस्य व अनेक संस्थाओं से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए DSP किरण चौहान द्वारा 5:20 पर बुधवार को बताया कि यह जिले भर में जागरूकता फैलाई जा रही है और आज का तीसरा दिन है। यह 19 तारीख तक अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर पहुंचे और जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक शामिल थे और महिला थाना प्रभारी पुष्पा चौहान, महिला थाने में पदस्थ अन्नपूर्णा सोलंकी मौजूद थी। आज माननीय DG महोदय द्वारा, PHU मुख्यालय भोपाल के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा स्पेशली महिलाओं और बालिकाओं के प्रति संवेदनशील होने के प्रति स्पेशली जेंडर सेंसिटाइजेशन पे प्रोग्राम आयोजन किया गया है। इस अभियान का नाम अभिमन्यु है। पुलिस मुख्यालय द्वारा ये विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है कि स्पेशली बालकों, पुरुषों को, महिलाओं के प्रति कैसा सकारात्मक व्यवहार किया जाए और उनकी, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसके प्रति कैसे सकारात्मक भूमिका अदा की जाए और समाज में एक समानता का किस तरह समानता ली जाए। अभियान 12 से लेकर 19 तक चलेगा। आज ये हमारा तीसरा दिन था और आगे भी हर अलग अलग थानों देहात में ये प्रोग्राम आयोजन किया जाएगा।